कैसा हो अगर आपसे मैं बोलूं, 15 सितंबर को होने वाला विज्ञान का क्वेश्चन पेपर अभी अभी वायरल हो चुका है। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ तो लग चुका है और फाइनली मैंने यहाँ पे सबसे अच्छी बात आपको मैं बताऊं कि क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना लिया गया है। तो संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का जो है पीडीएफ आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो मैंने अभी अभी सॉल्यूशन क्रिएट किया है तो इस सॉल्यूशन का संपूर्ण पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो 3 भाग में रहेगी। पहले भाग में हम देखेंगे संपूर्ण पेपर को, सेकंड भाग में देखेंगे हम संपूर्ण सॉल्यूशन को, और थर्ड भाग में देखेंगे हम संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी भी भाग को आपको स्किप नहीं करना है, संपूर्ण वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी के लिए यहाँ पे ये तोहफा ही नहीं समझ के चलिए कि आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे 15 तारीख को आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा, दिन शुक्रवार रहेगा। तो जैसे ही आपको ये पेपर मिलता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कूल के दिशा निर्देश के अनुसार रोल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। 200 आपका कोड है और ये जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है। तो कुछ निर्देश रहेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जो कि कंपलसरी होते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसी के आगे मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे आपका कोड दिया गया है, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर जो है फ्रंट पेज में आपका रहेगा। तो पहला प्रश्न आपका रहेगा, सही विकल्प चुन करके लिखने होंगे। टोटल 8 सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। तो जल्दी से सारे के सारे सही विकल्प आप देख लीजिए और यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से सभी 8 सही विकल्प आपको दिखा दिए गए। सेकेंड क्वेश्चन में रिक्त स्थान आपसे पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन में आपसे सही सही जोड़ियां पूछी जाएंगी जो कि 8 अंकी रहेंगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपसे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे जो कि 7 अंकी रहेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से 2-2 अंक वाले क्वेश्चन जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक यहाँ पे आप सारे के सारे यहाँ पे 10 तक देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 तक सभी क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। इसी के आगे प्रश्न क्रमांक 11 आप देख सकते हैं, कोशिका की खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट हुक ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 12वां भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13वां भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां भी आप देख सकते हैं, 15 भी देख सकते हैं और 16 भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 तक आपको दिखा दिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 और 22 भी आप देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे आपसे 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी 22 क्वेश्चन के उत्तर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 से उत्तर देखेंगे, ठीक है, जो कि 2-2 अंक वाले हैं। उसके पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आप कुछ इस प्रकार से भरेंगे, देखिएगा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक उत्तर रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे सही जोड़ियों और यहाँ पे देखिए सही जोड़ियों के उत्तर हैं, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर हैं, ठीक है। तो सभी उत्तर यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 से उत्तर दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आप देख लीजिए, ये हमारा सेकेंड भाग है। अब इसके बाद मैं थर्ड भाग जो है आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि आपको मैं अपने यहाँ पे मोबाइल में ही संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके दिखाऊंगा। साथ में जो मैं ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन की, ये भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा, ताकि यहाँ पे आप सभी को आसानी हो जाए और आप बड़े ही आसानी से पूरा पेपर देख पाए और सॉल्यूशन भी देख पाए, कहीं पे भी आपको भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो सभी प्रश्न आपने लगभग यहाँ पे देख लिए होंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पे देख लिए होंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने हैं, तो जल्दी से अपना मोबाइल उठा लीजिए और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे बता दिए गए हैं। अब चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूँ किस प्रकार से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए अपना मोबाइल जैसे ही आप ओपन करते हैं तो मोबाइल में आपको यहाँ पे गूगल ओपन करना होगा, ठीक है। मोबाइल में गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना होगा आपको, मैं दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखना आप, स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है। तो स्टडी नोट्स पीजे आप जैसे ही सर्च करेंगे तो पहला रिजल्ट आपको मिलेगा studynotespj.com, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म त्रैमासिक परीक्षा के सॉल्यूशन के लिए दिया गया है। तो यहीं पर हम यहाँ पे संपूर्ण पेपर और सॉल्यूशन को ढूंढेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे आपको आना है और जॉब बाय क्वालिफिकेशन का जो यहाँ पे सेक्टर दिया गया है, इसी में एमपी वुड वाला अपना सेक्शन है,
एमपी बोर्ड पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा के असली पेपर पीडीएफ फल सहित जो दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, तो एक तालिका बनी हुई है। तो अब इस तालिका में सभी क्लासों के आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें देखने हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, सॉरी क्वेश्चन क्वेश्चन बोल दिया मैंने, यहाँ पे कक्षा 9वीं का हमें देखना है, ठीक है। तो कक्षा 9th पे हम आएंगे और यहाँ पे साइंस का हमें देखना था। तो साइंस का हम यहाँ पे देखिए, साइंस वाले सेक्शन है जिसमें कि हम अभी देख रहे थे क्वेश्चंस, तो सेट ए पे हम क्लिक कर देंगे। साइंस की सेट ए पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा पेपर दिया गया है, 15 तारीख का असली पेपर है, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे ही नीचे आएंगे तो ये पूरा पेपर अब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही नीचे आएंगे, देखिए स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, संपूर्ण पेपर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। पूरा पेपर आप आज ही के आज बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको चाहिए है सॉल्यूशन। तो आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करके नीचे पहुंचेंगे, यहाँ से आप चाहें तो अपना सिलेबस पढ़ लेना, ऊपर टाइम टेबल भी दिया गया है तो टाइम टेबल भी रीड कर सकते हैं। अब देखिए कक्षा 9वीं विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा पेपर सॉल्यूशन पीडीएफ लिंक, तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करने से पहले। तो ये सारे के सारे निर्देश आप पढ़ लेना, तभी आपकी पीडीएफ डाउनलोड होगी। अब नोट पॉइंट में दिया गया है कि 25 सेकंड रुकने के बाद एक हरा कलर का डाउनलोड बटन दिखेगा। तो 25 सेकंड लगभग हमें हो चुके हैं इस पोस्ट पर आए हुए, तो यहाँ पर डाउनलोड बटन हमें दिख रहा है। इस डाउनलोड बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कक्षा 9वीं साइंस का हमें यहाँ पे पेपर मिल चुका है। कुछ इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से जो निर्देश हैं उनको फॉलो करके और रीड करके आप यहाँ पे संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी।